आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई और गुजरात के बीच खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। चेन्नई की शुरुआत जहां धमाकेदार रही तो वहीं चेन्नई का इस मुकाबले में अंत उतना शानदार नहीं रहा। चेन्नई के लिए आज मध्य क्रम में बल्लेबाज रन बनाने में नाकामयाब रहे। आज एक बार फिर से चेपॉक के मैदान पर सभी एमएस धोनी को देखने के लिए बेकरार थे। सभी चेन्नई की जर्सी उसके झंडे के साथ मैदान में मौजूद थे, लेकिन आज इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वो यादगार पारी चेन्नई के फैंस को देखने को नहीं मिली। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 2 गेंद का ही सामना कर पाए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी विकेट महेंद्र सिंह धोनी के रूप में ली, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को सस्ते में आउट होता देख स्टैंड्स में मौजूद उनकी पत्नी और बेटी का रिएक्शन अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल में जब महेंद्र सिंह धोनी आउट होकर पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे, उस दौरान कैमरामैन का पूरा ध्यान उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा धोनी पर था, जो लगातार मायूसी के साथ अपने हीरो को पवेलियन की ओर जाता देख रही थी। आपको बता दें कि जिस दौरान महेंद्र सिंह धोनी का विकेट गिरा, उसके बाद पूरे चेपॉक के मैदान में सन्नाटा छा गया, मानो कि चेपॉक ने चेन्नई धोनी का विकेट ना गवाया हो बल्कि पूरा मैच ही हार गई हो। बताते चले कि साक्षी धोनी की आंखों में भी इस दौरान आंसू देखे गए। साक्षी धोनी काफी भावुक नजर आई, वहीं उनकी बेटी भी काफी दुखी नजर आई। इस तरह का माहौल अक्सर आईपीएल में देखा जाता है। जब धोनी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं तो साक्षी धोनी खुद को रोक नहीं पाती हैं और स्टैंड्स में जश्न मनाने लगती हैं। लेकिन आज मंजर कुछ और था। आज धोनी विकेट सस्ते में गवा गए, इसलिए उनकी बीवी और उनकी बेटी दोनों मायूस नजर आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल वन इंडिया हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें।